Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Friends, आज के episode में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जी की फिल्म 102 Not Out यानी कि 102 Not Out के box office collection के बारे में in the country of India and राजकुमार राव और हंसल मेहता की दिल दहला देने वाली फिल्म Omerta के box office collection के बारे में in the country of India. So friends, ये जो दो फिल्में थी वो ऐसी फिल्में थी जो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी, ना ही के कोई पब्लिसिटी मटेरियल पे चलेगी. Omerta के तो दोपहर तक के सब शोज ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुके थे. मैं मुश्किल से कल शाम को ये फिल्म को देखकर आया, विद वेरी लेस ऑक्यूपेंसी. तो गाइज, ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी, लेकिन अगर आप मुझे पूछो दोनों में से कौन सी अच्छी फिल्म है, तो ये दोनों आंखों में से एक आंख सेलेक्ट करने के बराबर होगा. जहां पे 102 नॉट आउट एक क्लासिक मूवी है, वहां पे Omerta फाड़ देगी फिल्म. सीरियसली बोल रहा हूं, अगर अब आर्ट लवर हो और हार्ड हिटिंग फिल्म देखना चाहते हो, Omerta देख के आओ, आंख खुली और खुली रह जाएगी. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कलेक्शन के बारे में. अमिताभ बच्चन की फिल्म 102 नॉट आउट के ऑफिशियल फिगर्स जो है वो है 3.42 करोड़ रुपए, यानी कि 3.52 करोड़ रुपीज, जो मेरे हिसाब से फैंटास्टिक कलेक्शन है. आज एक्सपेक्ट करके चल रहा है ट्रेड, ये फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ और इसके कलेक्शन को बढ़ाएगा, और ये अपना जब दूसरा दिन खत्म करेगा तो आराम से सैटरडे को ये 5 करोड़ के ऊपर कमाएगा. संडे 5.5-6 करोड़ के बीच में से कलेक्शन होंगे. इसका मतलब ये होता है कि इसका जो पहला वीक है वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ टच करेगा, और ये फिल्म आराम से 3 दिनों में हिट हो जाएगी. उसका प्रोडक्शन बहुत बहुत कम है. अभी ऑफिशियल फिगर कितना है मैं कल आपको एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन बात करें फिल्म Omerta की, तो गाइस Omerta का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत ही रिच है, लेकिन इसका बजट बहुत कम है, और इसने पहले दिन कमाए हैं 50 लाख रुपए. बहुत कम, मुझे पता है करोड़ नहीं कमाए, लेकिन गाइस ऐसी फिल्में अगर बॉक्स ऑफिस पे 3.5-4 करोड़ रुपए भी कमा लेते, जो इन फिल्म का बजट रहता है, ना ही इनका प्रमोशन कुछ ज्यादा रहता है, तो फ्रेंड्स ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट करा दी जाती है. और Omerta एक फेस्टिवल फिल्म है, ना ही के बॉक्स ऑफिस फिल्म है, लेकिन मुझे लगता है आज इसके गुड वर्ड ऑफ माउथ पे ये फिल्म भी चलेगी, और गारंटी ये फिल्म अवार्ड्स ले जाएगी. स्पेशली राजकुमार राव विल बी नॉमिनेटेड फॉर द नेशनल अवार्ड. नॉमिनेटेड क्या बंदा लेके जाएगा, लिख के ले लो. तो फ्रेंड्स, एपिसोड पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर ये दोनों फिल्मों के लेके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. इनके दोनों रिव्यूज दे दिया हूं मैंने, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं. इज मी साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.